बड़ी पॉपुलर कहावत है, एकता में शक्ति है, अकेले में सबकी फटती है। और लगता है बॉलीवुड ने इस कहावत को बहुत ही गंभीरता से आजमा लिया है और इसलिए वापस से अपनी एकजुटता वाले दौर में कमबैक कर रहा है। और वैसे भी यूनिटी की बहुत जरूरत है बॉलीवुड को, बिकॉज एक तरफ साउथ का और दूसरी तरफ हॉलीवुड का सुपर अटैक चालू है। एंटमैन ने सजादा की हवा निकाल दी, बाकी काम ट्रिपल आर, पुष्पा, बाहुबली टाइम टू टाइम करती रहती हैं। ऐसे में जब साउथ एकजुट हो सकता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा के स्टार एक दूसरे की इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, तो बॉलीवुड को भी एकजुट होने में किस बात की देरी है। और ये काम अजय देवगन ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए अपनी मूवी को एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपेंडेड यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट भोला यूनिवर्स। भोला अपनी तरह का बहुत ही स्मार्ट यूनिवर्स है, जो कि स्टार्ट हुआ था एक रीमेक कैथी के तौर पर और बाद में विक्रम की रिलीज के बाद एक्सपेंड होते होते क्राइम यूनिवर्स बन गया। और अजय ने एक डायरेक्टर को हटाकर खुद संभाल ली कमान एज ए डायरेक्टर, बिकॉज वो जान चुके थे इस मूवी का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज जिस तरह से लोकेश कनगराज ने कैथी के बाद विक्रम को कमल हसन का कमबैक कराया, वही कमबैक बॉलीवुड के बहुत सारे हीरो का करा सकती है भोला यूनिवर्स। और अजय देवगन ने एक काम ऑलरेडी प्ले कर दिया है, सलमान खान, अक्षय कुमार को लेकर वो भोला यूनिवर्स को आगे चलकर बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंड करेंगे। प्लस अभिषेक बच्चन का कैरियर भी रिवाइव करने वाले हैं इसी यूनिवर्स के जरिए। तो आने वाले महीने यानी मार्च में दिखाई पड़ जाएगा इस यूनिवर्स के साथ क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से प्रीक्वल, कौन कौन से सीक्वल डिजाइन होंगे, इस बात का खुलासा भी धीरे धीरे हो जाएगा। बहरहाल अजय देवगन ने बहुत स्मार्ट तरीके से मूवी को रिवाइव कर दिया है। अगर आपने ओरिजिनल मूवी कैथी देखी है तब आप इसके ट्रेलर को देखकर समझ गए होंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है, जो कि पब्लिकली बहुत पॉजिटिव संकेत है, बिकॉज सेम माल कब तक हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में देखते रहेंगे। तो भोला के लिए अजय देवगन ने काफी स्मार्ट चॉइसेस रखी हैं। अभिषेक बच्चन का जो रोल है वो काफी हद तक सीक्रेसी में रखा गया है, रोलेक्स के रोल के लिए अक्षय कुमार से बात चल रही है, प्लस विक्रम के रोल के लिए तो हमारे रेडीमेड एक्टर सलमान खान ऑलरेडी इन है ही। तो इस तरह से भोला यूनिवर्स में काफी हद तक वेरियंस दिखाई देगा और जब जब भोला के नए नए पार्ट आएंगे तब तक लीड रोल कोई और करेगा, लेकिन डायरेक्टरी कमान अजय देवगन के पास रहेगी, बिकॉज एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर कैथी के रीमेक के बाद उनके पास ही इसके सारे राइट रहने वाले हैं। और ये बहुत ही स्मार्ट स्टेप है, बिकॉज सिंगम भी साउथ के तमिल मूवी का रीमेक थी, लेकिन बाद में रोहित शेट्टी, रिलायंस, अजय ने मिलकर इस मूवी को अपना ओरिजिनल फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर दिया और आज ओरिजिनल से ज्यादा कमाई करते हैं अजय देवगन सिंगम के जरिए। यही हाल गोलमाल का है, यही हाल सूर्यवंशी का है। तो इसी तरह से अजय देवगन ने भोला को भी उसी क्राफ्ट, उसी बिजनेस आइडिया के साथ डिजाइन किया है और अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान मिलकर भोला यूनिवर्स को बॉलीवुड का एक नए तरह का मार्वल एवेंजर बनाएंगे, जो कि क्राइम सिंडिकेट को नए नए लेवल पर ब्रूटल तरीके से एक्सपोज करेगा। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।